माता दी। सभी लोग बोलेंगे जय माता दी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं हरिद्वार के एक बहुत ही सुंदर मंदिर में आप सभी को ले चलूँगा और ये मंदिर जो है ये चीला के रास्ते से जब आप जाएंगे तो माता विंध्यवासिनी जी का मंदिर है, बहुत ही खास मंदिर है, वहाँ पर ले जाकर आप सभी को दर्शन कराएंगे। और ये रास्ता जो है बहुत ही सुंदर है, आप इस रास्ते से विंध्यवासिनी माता जी के मंदिर तक पहुँच सकते हैं। डिस्टेंस की बात की जाए तो लगभग चंडी पुल से 27 किलोमीटर के आसपास होगा। रास्ता भी उतना ही अच्छा है, लेकिन बीच में जब जंगल से होते हुए जाएंगे तो उस रास्ते को आप ज़रूर देखना, क्योंकि जब आप सफ़र करेंगे तो आपको प्रॉपर उस रास्ते के बारे में पता होना चाहिए। तो अभी हम चलते हैं और हरिद्वार के एक बहुत ही फेमस माता विंध्यवासिनी मंदिर में आप सभी को दर्शन कराते हैं। दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत हमने चंडी पुल से की है। हरिद्वार का बहुत ही प्रसिद्ध जगह है चंडी पुल, और चंडी पुल से लेकर माता विंध्यवासिनी मंदिर तक के जो रास्ता है उसमें हम काफ़ी दृश्य आपको दिखाएंगे। और ये देखिए चंडी पुल से होते हुए कुछ ही देर में हम जैसे ही चंडी पुल पार करेंगे तो वहाँ से ये जो रास्ता है यहाँ से आपको लेफ्ट मुड़ना होगा। अगर सीधे आप जाएंगे चंडी पुल से सीधे जाएंगे तो आप नजीबाबाद मुरादाबाद के लिए जाएंगे, और आपको बाईं ओर मुड़ना है जहाँ पर चंडी देवी मंदिर के लिए पैदल मार्ग है, उसी ओर आपको चलना है। तो अभी हम उसी ओर चल रहे हैं और थोड़ी देर के बाद चंडी देवी मंदिर का पैदल मार्ग आएगा। ये देखिए यहाँ से ये जो दीवार राइट हैंड में दिख रही है यहाँ से चंडी देवी मंदिर का पैदल मार्ग है, और लेफ्ट साइड में दक्षिण काली माता जी का मंदिर है। ये जो लेफ्ट साइड में मंदिर आपको गेट दिख रहा है ये है दक्षिण काली माता मंदिर, और सामने आपको एक फाटक दिखेगा, ये चौकी है जहाँ पर अगर आप कार से जाएंगे तो 100 रुपये का रसीद कटती है और उसके बाद आप जंगल में प्रवेश कर पाएंगे। तो हमने रसीद कटा ली है और अब हम चलते हैं आगे के रास्ते में। आगे का रास्ता बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ आपको हरे भरे पेड़ देखने को मिलेंगे, और ये जो रोड होती है ये इसमें सुनसान रहता है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है, आप आराम से इस रास्ते में चल सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें शुरुआती रास्ते में बहुत मोड़ आपको नज़र आएंगे, तो आराम से चलें और तेज़ी से ना चलें। और जब हम इसी रास्ते में आगे चलते हुए जाएंगे तो वो जगह भी मिलेगी जहाँ से जंगल सफारी होती है, चीला में जंगल सफारी होती है, और ये पूरा राजा जी नेशनल पार्क है। और अभी वो जगह आएगी, ये देखिए सामने जो एक पोस्ट नज़र आ रही है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से जंगल सफारी का आनंद आप ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हरिद्वार आते हैं और कहते हैं हमें जंगल सफारी करनी है, तो इसी रास्ते में जंगल सफारी इस जगह से होती है। वैसे और भी जगह हैं जहां से जंगल सफारी होती है, और पहले तो 600 पर पर्सन चार्ज था, फिलहाल क्या है 700 या 800 के आसपास ही होगा। और ये खुली हुई जीप नज़र आ रही है, इसी जीप से जंगल सफारी करते हैं। यहाँ से जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको चीला डैम मिलेगा। चीला डैम आपने नाम बहुत सुना होगा, एक कह सकते हैं हरिद्वार का प्रसिद्ध डैम है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है, मतलब उत्पादन होता है। दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं चीला डैम के पास, ये पीछे देख सकते हैं चीला डैम, बहुत ही अच्छी जगह है, यहां पर भी बहुत सारे लोग आते हैं, टूरिस्ट जितने हैं इस जगह को बहुत ही पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर शांत जगह है और बहुत सारे लोग फोटोग्राफी करने के लिए आते हैं, वेडिंग शूट करने के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, प्री वेडिंग जिसे कहते हैं, यहाँ पर काफ़ी शूटिंग होती है। और यहाँ की डिस्टेंस बात की जाए तो लगभग 8 किलोमीटर के आसपास चंडी पुल से पड़ती है। और यहाँ से अभी हम आगे चलेंगे और एक पॉइंट आएगा जहाँ से हम जंगल वाले रास्ते से होते हुए माता विंध्यवासिनी जी के मंदिर तक ले चलेंगे। तो वीडियो में बने रहें और लास्ट तक आप सभी को वीडियो देखना है ताकि इस मंदिर से जुड़ी हुई सारी जानकारी भी मिले आपको, और पूरा रास्ता भी हम आपको कवर करते हुए ले चलेंगे ताकि जब भी आप हरिद्वार से माता विंध्यवासिनी मंदिर तक पहुंचना हो तो आसानी से पहुंच सके। अभी फ़िलहाल हम चीला डैम के आपको व्यू दिखाते हैं, देखिए सुंदर नज़ारे आप लोग देख सकते हैं।
इस तरफ की व्यू भी आप देख सकते हैं। आइए आपको आगे ले चलते हैं और आगे का रास्ता दिखाते हैं और जल्दी से माता जी के मंदिर में ले जाकर दर्शन कराते हैं। दोस्तों अभी आप चीला डैम को पास से देख रहे हैं और चीला डैम में कई टरबाइन लगी हैं, जिसमें जो जल का प्रेशर है उसके द्वारा टरबाइन को घुमाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है। तो अभी हम आगे की ओर ले चलते हैं। ये सामने देख सकते हैं ये चीला डैम के पास के सुंदर नज़ारे देखते हुए, और आगे का रास्ता भी बहुत ही सुंदर है। एक तरफ तो आपको गंगा जी की धारा देखने को मिलेगी और दूसरी साइड ये रोड सुनसान रहती है। यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, बैठे हैं यहाँ पर, और ये रोड, इस रोड की बहुत तारीफ करते हैं जो लोग इस रोड से ऋषिकेश जाते हैं, सच में उन्हें बहुत अच्छा लगता है। कई जगह ऐसे से पॉइंट हैं, वो लोग रुकते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, कुछ देर बैठते हैं, क्योंकि बगल में गंगा जल की धारा है और पूरा सुनसान एरिया है और ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, कुछ ही गाड़ियाँ यहाँ पर आते जाते आपको नज़र आएंगी। तो ऋषिकेश अगर जाना है और हरिद्वार में आप वीकेंड के समय आए हुए हैं तो आप इस रास्ते से भी ऋषिकेश की ओर जा सकते हैं, लेकिन बरसात में इस रास्ते का प्रयोग ना करें क्योंकि आगे एक नदी पड़ती है और नदी से ही निकलकर आप आगे जाना होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखें और जल्दी से उस पॉइंट तक ले चलते हैं जहाँ से माता विंध्यवासिनी मंदिर के लिए रास्ता गया है। तो दोस्तों फाइनली हम उस पॉइंट में पहुँच चुके हैं जहाँ से दो रास्ते जाते हैं। पुल पार करके अगर आप सीधे जाएंगे तो माता विंध्यवासिनी जी का मंदिर आएगा। अगर आप ऋषिकेश जाना चाहेंगे तो पुल पार करने के बाद आपको इस तरफ जाना होगा, लेफ्ट साइड में ये नहर के बराबर बराबर में जो रास्ता गया है ये ऋषिकेश की ओर गया है। और मैं चाहूँगा एक बार रास्ता इधर वाला फिर से दिखाया जाए। ये जो पुल पार करके सीधे जाएंगे तो माता विंध्यवासिनी जी का मंदिर आएगा और यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर और पड़ेगा जो कि घने जंगलों से होते हुए रास्ता जाता है। तो आगे का रास्ता थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आराम से चलें और अगर आप लोग बाइक से हैं तो कोशिश रखें कि 2-3 लोग साथ में होने चाहिए, क्योंकि जंगल का रास्ता है, जानवर मिलने का खतरा तो बना ही रहता है। तो आइए आगे का रास्ता दिखाते हैं। बीच में नदियां पड़ती हैं तो उन नदियों को भी दिखाएंगे और कितना जल आ रहा है ये सारी जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो में बने रहें और लास्ट तक देखें, और उसके अलावा जो जानकारी है वो हम आपको रास्ते में आगे देते जाएंगे और फिर मंदिर में पहुंचकर दर्शन भी कराएंगे। तो दोस्तों अभी हम पुल को पार करते हैं और सीधे वाले रास्ते में जाएंगे। ये जो गांव आगे आपको देखने को मिलेगा, ये गांव जो है कौडिया के नाम से है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। और ये रास्ता ऋषिकेश की ओर गया है, बट हमें सीधे वाले रास्ते में जाना है। और यहाँ पर कौडिया गाँव है जहाँ पर कुछ घर हैं, कुछ यहाँ पर होम स्टे भी हैं, कुछ रिजॉर्ट भी हैं जहाँ पर लोग रुकते हैं। सुनसान और शांत जगह पर अगर रुकना चाहते हैं तो इससे पुल से पहले भी कुछ रिजॉर्ट मिल जाते हैं। और ये देखिए ये है रास्ता। अब घने जंगलों से होते हुए हम पहुंचेंगे माता विंध्यवासिनी माता जी के मंदिर पर और सभी को दर्शन कराएंगे। तो आगे का रास्ता आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और ऑब्जर्व करें कि आप बाइक से जा सकते हैं या कार से ले जाएं या बड़ी कार से जाएं। लेकिन मेरी यही सलाह रहेगी कि आप बड़ी कार से जाएं जिसकी डिस्टेंस जो क्लियरेंस है वो थोड़ी ज़्यादा हो, ताकि आपकी गाड़ी लगने का खतरा ना हो। आगे कई नदियां भी पार करनी होती हैं, नदियों से आपकी गाड़ी आगे निकलेगी। और कई बार लोग स्कूटी से लेकर चले जाते हैं और बाद में उन्हें परेशानी होती है क्योंकि नदियों को पार कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जैसे ही थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो यहाँ पर एक फिर चौकी मिलेगी, और आपने पहले रसीद कटा ली है जंगल के अंदर एंट्री की तो यहाँ पर आपको रसीद नहीं कटानी होगी, बट आपको वही पर्ची यहाँ पर भी दिखानी होगी। तो हमने पर्ची दिखा दी है और उससे जैसे ही आगे चलेंगे तो दो रास्ते हैं। नीचे वाले रास्ते, लेफ्ट साइड वाले रास्ते में आपको जाना होगा। ये वाला जो रास्ता है, इस रास्ते से आप माता विंध्यवासिनी मंदिर जा सकते हैं। दूसरा जो मार्ग है उससे किमसार गाँव, जो कि काफ़ी फेमस गाँव है, वहाँ तक जा सकते हैं। तो अभी हम माता विंध्यवासिनी मंदिर के लिए चल पड़े हैं और अभी भी जो डिस्टेंस है वो लगभग 7 किलोमीटर के आसपास है। और ये देखिए यहाँ पर एक मोर देखने को मिल रहा है, देखिए कितना घना जंगल है। और इसी जंगल से अगर आप बाइक से जाते हैं और एक दो लोग होते हैं तो डर तो लगता है क्योंकि कोई भी जानवर आपको मिल सकता है। हाथी अक्सर देखने को मिलते हैं, जंगली सुअर भी बहुत ज़्यादा इसमें पाए गए हैं और
कोई भी जानवर मिल सकता है, समय समय की बात है। तो इस वजह से कहते हैं कि कार से जाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये देखिए आगे का रास्ता भी दिखाएंगे, और जब आगे की नदियाँ पड़ेंगी तो उनको भी आप देखिएगा। इस वीडियो में हमने रास्ता इसलिए ज़्यादा कवर किया है क्योंकि आप लोगों को पहले से पूरा रास्ता पता होना चाहिए। दोस्तों अब जो रास्ता आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा मैदान है, और जब बरसात के दिन होते हैं तो यहाँ पर पूरा जल भर कर चलता है, फिर ये नदी का रूप धारण कर लेता है। तो अभी ये खुला हुआ मैदान आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन बरसात में तो यहाँ से निकल पाना, रास्ते ही बंद हो जाते हैं और कोई भी व्यक्ति माता विंध्यवासिनी मंदिर के तरफ नहीं जाता है। तो अभी देखिए कितनी चौड़ी नदी है ये, और अभी हम आगे चलेंगे तो नदियों की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। छोटी छोटी नदियां अभी भी आपको देखने को मिलती हैं। ये देखिए आप रास्ता देखिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, क्योंकि यहां पर लगातार हरिद्वार ऋषिकेश उत्तराखंड के धार्मिक प्लेसों की वीडियो लगातार हम लाते रहते हैं। ये देखिए ये पहली नदी है, यहाँ से तो हम आसानी से निकल गए थे लेकिन गाड़ी की नंबर प्लेट जो है वो बह गई थी। और यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि जब आप जाते हैं तो जल थोड़ा सा कम होता है, वापस आते हैं तो थोड़ा सा जल बढ़ जाता है, और उस समय काफ़ी मुसीबत होती है। ये देखिए दूसरी नदी, ये लगातार आपको कई नदियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सोचना पड़ता है कि देखना पड़ता है कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से हमारा जो व्हीकल है वो आसानी से निकल जाएगा। तो आप ऐसा नहीं कि कहीं से भी अपना सीधे गाड़ी लेकर आए और कहीं से भी निकलने की कोशिश करें, आप एक बार नीचे उतरकर देख ले कि कौन सी जगह आपको सही लगेगी। और इसी वजह से आपको यहाँ पर वीडियो रुकी हुई नज़र आ रही थी, हम पहले देख रहे थे कि कहाँ से आसानी से कार हमारी निकल सकती है। और ये देखिए मंदिर की झलक हमें देखने लगी है, ये है माता विंध्यवासिनी जी का मंदिर जो कि ऊंचे पहाड़ों पर है। और यहाँ भी हमें आगे एक नदी देखने को मिली, आगे भी हमें कुछ अभी नदियाँ नज़र आ रही हैं। और मंदिर की चढ़ाई जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर आपको एक छोटी सी नदी देखने को मिलेगी। ये वैसे तो आपको लग रहा होगा कि मैं इनको नदियाँ बोल रहा हूँ और ये हल्के हल्के जल के स्रोत हैं, लेकिन अभी ये जल के हल्के हल्के स्रोत हैं, लेकिन जब समय आता है यहाँ पर इतना ज़्यादा जल हो जाता है कि मैंने आपको बताया कि रास्ते बंद हो जाते हैं। तो अभी भी इनको नदियां तो हम कह सकते हैं क्योंकि लगातार इसमें जल आता रहता है। और देखिए यहां से भी गाड़ी निकालना मुश्किल हो रहा था, और लास्ट टाइम कुछ ऐसे पॉइंट आए थे जहां से तो मुझे लगा कि आगे तो जाना मुश्किल हो जाएगा, पैदल ही जाना होगा, तो वो दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अब हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, आज हमें रास्ते में लगभग चार नदियां देखने को मिली हैं, लेकिन जो भी नदी मिली है उनमें आज जल बहुत ज़्यादा आ रहा है। वैसे आमतौर पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर लगभग छः से सात नदियां देखने को मिलती हैं, और बरसात के दिनों में तो आना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनमें इतना ज़्यादा जल आता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है मंदिर तक पहुँच पाना। तो अभी यहाँ से हम आपको आगे ले चलेंगे, और ये वाला जो पहाड़ है यहाँ पर माता जी का मंदिर स्थित है, तो आप सभी को ले जाकर दर्शन कराएंगे। और आगे भी एक नदी है, जब हम मंदिर के मुख्य जहाँ से गेट है जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है जब वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ भी एक नदी देखने को मिलेगी। और इन नदियों का जल देखिए कितना क्लियर आ रहा है, बहुत अच्छा, बिल्कुल साफ सुथरा ट्रांसपेरेंट जल इस समय दिखाई दे रहा है। तो आइए आपको आगे ले चलते हैं और माता जी के दर्शन कराते हैं। आगे वाली नदी को भी दिखाएंगे, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जल आ रहा है और जो नीचे गाड़ियाँ हैं उनको निकल पाना बहुत मुश्किल है, तो गाड़ी यही रहेगी पार्क और हम आगे जाएंगे।
दोस्तों यहाँ से पार करने के लिए शूज निकालने ही होंगे और वहाँ से जाने के बाद फिर उस तरफ जाएंगे तब वहाँ से आगे का रास्ता है। दोस्तों आगे जाने के लिए हमें यहाँ से नदी को पार करके जाना होगा और ये रास्ता आप देख सकते हैं किस तरह का है और इस तरफ से फिर वहाँ जाना होगा आगे की तरफ। वहाँ पर भी हमें एक बार और नदी को पार करना होगा तभी मंदिर तक हम पहुँच सकते हैं। और ये देखिए प्रेजेंट टाइम में क्या हाल है, जल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। वैसे नॉर्मली यहाँ पर इतना ज़्यादा जल केवल बरसात में या इससे ज़्यादा जल जो है बरसात में ही आता है और बाकी समय पर इतना जल नहीं आता है। आराम से लोग निकल जाते हैं, छोटी गाड़ियाँ भी निकल जाती हैं, लेकिन फिलहाल जो है अभी जो है बड़ी गाड़ियाँ ही यहाँ से निकल के आगे जा सकती हैं। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि कौन सी जगह से जल का बहाव कम है और गहराई कम है, वहीं से निकलते हैं। तो हमने नदी पार कर ली है और वही नदी एक बार फिर से हमें पार करनी होगी। यहाँ से उस तरफ जाएंगे और फिर जहाँ पर वो लोग बैठे हैं वहाँ से पैदल रास्ता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं एक ही नदी को कई बार हमें पार करना पड़ेगा और तभी हम मंदिर तक पहुँचेंगे। जल देखिए कितना क्लियर आ रहा है, पूरा जल के नीचे के पत्थर भी नजर आ रहे हैं इस समय। उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से पैदल चढ़ाई शुरू करते हैं। वो सीढ़ियां आपको नजर आ रही हैं, वहां से मुश्किल से 10 मिनट का पैदल चढ़ाई है, आराम से पहुंच सकते हैं। पहले ये नदी भी पार करनी होती थी लेकिन अब ये अच्छी बात है कि यहां पर एक टेम्परेरी एक पुल बना दिया गया है, लकड़ी का पुल बनाया गया है। तो इस पुल के माध्यम से आसानी से हम उस तरफ जा सकते हैं। पहले तो यहां भी पैंट चढ़ानी पड़ती थी, शूज निकाल कर आगे जाना होता था। तो आइए आपको आगे ले चलते हैं। ये देखिए आदिशक्ति श्री शारदा माता मंदिर 800 मीटर दूर। ये जो आपने बोर्ड देखा है ये दूसरा बोर्ड है और वो मंदिर जो है इस डायरेक्शन में मिलता है, शारदा माता का मंदिर। और अभी हम माता विंध्यवासिनी मंदिर के लिए जा रहे हैं। तो ये रास्ता है, कुछ दिन पहले आए थे उससे थोड़ा सा बदलाव तो यहाँ पर हुआ है। और प्रॉपर यहाँ पर बैठकर अगर कुछ खाना पीना चाहते हैं, नाश्ता करना चाहते हैं, तो उसकी सुविधा भी यहाँ पर पहले से बेहतर हो चुकी है। जय माता दी, सभी लोग बोलेंगे जय माता दी। जय माता दी। तो दोस्तों फाइनली हम मंदिर के करीब पहुंच चुके हैं। कह सकते हैं कि मंदिर की 70% चढ़ाई खत्म हो चुकी है, बस 100 मीटर और चलना होगा। सामने मंदिर भी आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर सिद्धपीठ। थोड़ी चढ़ाई है लेकिन खड़ी चढ़ाई है, तो आराम से चलें, एक दो जगह रुक के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जय माता दी। भाई साहब कैसा लग रहा है?
बहुत बढ़िया है ना, सुकून वाली जगह, परफेक्ट जगह है। जय माता दी भाई साहब। जय माता दी। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है नरसिंह चरण महंती। कहाँ से आए हैं सर आप? उड़ीसा कटक से। उड़ीसा कटक से इतनी दूर? हाँ। हरिद्वार में? हरिद्वार से आया। तो सर कैसे पता चला इस मंदिर के बारे में? यूट्यूब में मैंने देखा था। अच्छा, तो इसीलिए मेरे को प्रेरणा मिला। अच्छा अच्छा, तो क्या अच्छा लगा था आपको उस वीडियो को देखकर, क्या खास लगा था? विंध्य भैसिन के मंदिर के बारे में जो डिस्कशन यूट्यूब वाले ने किया था, जी जी जी, उससे प्रेरणा जब मिला मेरे को, तो मेरे को बहुत इच्छा हुआ था। 2 साल हुआ मैं यहाँ आके दर्शन करके माता के जाऊं। अच्छा अच्छा, तो अभी आज मौका मिल गया। तो कैसा लग रहा है यहाँ आसपास के माहौल और वातावरण को देखते हुए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्योंकि ये हरिद्वार से अलग पड़ता है और जंगल जो राजा जी नेशनल पार्क है उसके अंदर पड़ता है, तो और काफी सिटी से बाहर है, तो थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन जब जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है उसे सुकून और शांति यहाँ मिलती है और माता जी के दर्शन करके आशीर्वाद लेने का भी सुंदर मौका होता है, बहुत अच्छा मौका होता है। तो कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों को, जो लोग यहाँ पर आना चाहेंगे उनके लिए कहना चाहेंगे, अपना अनुभव आप बता सकते हैं? जो अनुभव हुआ तो मैं बोलूँगा हर व्यक्ति को, जो मतलब चल सकते हैं, मतलब पहाड़ के एरिया में उठ के, मतलब सीढ़ियों में आ सकते हैं, जी जी, वो आराम से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और माँ का आशीर्वाद हो तो फिर वो वयस्क लोग भी आ सकते हैं, सीनियर सिटीजन वाले भी आ सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं सामने मंदिर है और एक पहाड़ी के एक टॉप पर ये मंदिर है, और यहाँ पर जब भी आएंगे, हम कई बार आ चुके हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी हवा चलती है और एक कहते हैं ना शुद्ध ऑक्सीजन अगर कहीं मिले तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वही है यहाँ पर। देखिए ये सुंदर माता जी का भव्य मंदिर, और अभी कुछ ही देर में हम आपको दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों माता के मंदिर तक हम पहुँच चुके हैं, आप सभी को दर्शन कराएंगे। रास्ता तो आपने देखा होगा, शुरू का रास्ता कह सकते हैं कोडिया गांव तक रास्ता बहुत अच्छा है, उसके आगे का जो रास्ता है थोड़ा मुश्किल है, रोड भी सही नहीं है, बीच में कई नदियां मिलती हैं, लेकिन जैसे ही आप मंदिर तक पहुंचते हैं सारी थकान रास्ते की दूर हो जाती है और सफ़र को भूलकर आप माता जी के दर्शन करें, आपको आशीर्वाद लें, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो आइए आपको भी दर्शन कराते हैं। नंदन जो माता जी, इसके 8वीं संतान है ये, जी जी, और जब कंस उसको मारने गए तो बिजली बन के सामने आ गई, उन्होंने बताया कि तेरा मारने वाला तो कहीं और जन्म ले लिया है, जी जी, अब तुम क्या मारेगा? तो ये कृष्ण भगवान की बहन है, ये महामाया है, और ये विद्वासनी माता जब कंस ने पटका तो यहाँ उसका माता का पिन है और यही शक्तिपीठ है, ये सिद्धिपीठ है, तो सब जगत भगत दर्शन करने आते हैं और सबकी मनोकामना पूरी करती है। दोस्तों अब आप सभी माता विंध्यवासिनी जी के दर्शन कर सकते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है माँ से प्रार्थना करें, सभी लोगों की प्रार्थना यहाँ पर आकर पूरी हो जाती है, तो आप सभी लोग प्रार्थना करते जाएँ और जय माता दी लिखते जाएँ। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इस मंदिर परिसर में कुछ और मंदिर हैं तो हम आपको वो भी दिखाएंगे, वहाँ से भी दर्शन कराएंगे, तो हमारे साथ अभी बने रहें, बस थोड़ी देर में वीडियो समाप्त भी हो जाएगी। और अगर आप इस मंदिर से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में जाइए, हमें मैसेज करिए, इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है, हम आपको सभी जानकारी दे देंगे। और नीचे यहाँ पर कुछ मंदिर हैं तो यहाँ से भी हम आपको दर्शन कराते हैं और एक प्राचीन गुफा है वो भी दिखाएंगे। दोस्तों माता के जो मंदिर है वहां पर आप सभी ने दर्शन कर लिया है, यहाँ पर और एक मंदिर है, यहाँ पर धुना है जहाँ पर निरंतर धुना जलता रहता है और यहाँ की भस्म जो है भभूत जो है अपने साथ ले जा सकते हैं। यहाँ पर भोलेनाथ का एक शिवलिंग है तो यहाँ पर भी दर्शन आप सभी कर सकते हैं। ये देखिए
यहाँ पर जो महात्मा जी हैं और जो पुजारी जी हैं यहीं पर रहते हैं, और ये है भोलेनाथ का शिवलिंग। तो आप सभी दर्शन करें और हर हर महादेव लिखते जाएं, जय माता दी लिखें, माता जी का ये मंदिर है। तो ये देखिए, ये अच्छी व्यवस्था है, थोड़ी सी अगर रास्ता और अच्छा हो जाए तो सच में यहाँ आने के बाद जो सुकून शांति मिलता है बहुत कम मंदिर में आपको देखने को मिलेगा। और अभी हम ले चलते हैं, नीचे एक गुफा है, कहते थे कि वहाँ पर जो यहाँ के सबसे पहले महात्मा जी थे वो वहाँ पर ध्यान लगाते थे, और उसी गुफा में कई बार शेर या भालू कहते थे कि आता था और उसी गुफा में बैठता था। दिन में महात्मा जी ध्यान लगाते थे और फिर उसके बाद महात्मा जी यहाँ आ जाते थे, और उसके बाद वहाँ पर अक्सर बोला गया है कि कभी शेर कभी भालू उसी गुफा में बैठते थे। तो आइए आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर नीचे एक गुफा आपको देखने को मिल रही होगी जहाँ पर ये पेंट हो रखा है। इस मंदिर की जब खोज एक महात्मा जी ने महंत जी ने की थी उस समय वो इसी गुफा में ध्यान मग्न थे, यहीं पर वो ध्यान लगाया करते थे। तो यहाँ पर गुफा में वो बैठकर ध्यान लगाते थे, प्रार्थना करते थे। तो आप इस गुफा को देख सकते हैं क्योंकि ये प्राचीन एक संत महात्मा की गुफा है जहाँ पर वो कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या की है। आप सभी इस गुफा के दर्शन करें। और कहते हैं जब वो कुछ देर के लिए विश्राम करने चले जाते थे तो यहाँ पर अक्सर भालू और उसके साथ साथ शेर भी यहाँ पर आकर कुछ देर आराम करता था, वो भी यहाँ पर बैठता था। और ये हैं माता विंध्यवासिनी मंदिर के ड्रोन शॉट, आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मंदिर देखिए, चारों ओर के व्यू देखिए, कौन व्यक्ति नहीं आना चाहेगा, सभी यहाँ पर दौड़े चले आएंगे रास्ता कैसा भी हो। और तो आप भी आइए, दर्शन करिए और अपना अनुभव जो है हमारे साथ कमेंट के द्वारा शेयर करें, इंस्टाग्राम में मैसेज के द्वारा बताएं कैसा लगा यहाँ पर आकर। मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगता है। तो ये थी माता विंध्यवासिनी मंदिर जो कि हरिद्वार और ऋषिकेश के मध्य में पड़ता है। तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।